वेलकम अगेन स्टूडेंट्स और बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 1 फॉर क्लास 7th। और ये वर्कशीट आपकी मैथ्स की यानी गणित की बच्चों ये वर्कशीट है जो कि 8 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और इस वर्कशीट में हम आंकड़े इसके बारे में पढ़ेंगे। सो बच्चों देखिए, आज माँ ने हम दोनों बहनों को कमरे की सफाई करने को कहा, तो मैंने देखा छोटी बहन की सारी चीजें बॉक्स में अव्यवस्थित रखी थी, तो मैंने अपनी छोटी बहन से कहा आओ देखें आपके बॉक्स में क्या क्या चीजें हैं। तो बच्चों बॉक्स के अंदर चीजें बिखरी पड़ी थी, कोई चीज जो है अच्छे से नहीं रखी गई थी, ठीक है। तो बॉक्स में जो है दोनों ने देखा कि क्या क्या चीजें हैं और इन्हें गिनते हैं और एक सूची बनाते हैं। तो उन्हें गिना और उनकी एक तालिका यानी सूची बनाई कि कौन सी चीज कितनी है। तो देखिए, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि अगर आप गेंद को गिनते हो तो यहाँ पर 5 गेंद हैं, इस तरह ये जो है रैकेट है, बैडमिंटन रैकेट है, और ये क्या है, ये गमले हैं, ये जो है टॉयज हैं। तो इस तरह से अलग अलग चीजें जो है गिन के आप लिखोगे कि कौन सी चीज जो है वो संख्या में कितनी है। सो बच्चों, जो अलग अलग वस्तुओं की आपको संख्या मिलेगी वो क्या है, वो टेबल जो आपको मिलेगी वो क्या है, वो आंकड़े हैं। यानी आंकड़े तथ्यों का एक संग्रह है, जैसे कि संख्या, शब्द, माप, अवलोकन या केवल चीजों का विवरण। तो ये सब क्या होंगे, इन सबको हम आंकड़े कहेंगे। अरे वाह, ये तो आंकड़े हैं। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, हमें मिलेगा आंकड़े। तो ये जो आपको तालिका दिखाई दे रही है बच्चों, ये तालिका क्या है, ये तालिका आंकड़े हैं। और यहाँ पर अलग अलग संख्या दिखाई गई है, जैसे क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। वस्तुएं गेंद, बैडमिंटन रैकेट, खिलौना, गमले, टोपी, इस तरह से लिख लिया। गेंद कितनी है, जब आपने गिना तो गेंद 5, बैडमिंटन रैकेट 4, खिलौने 2, गमले 4 और टोपी 3। अब आपको इस तालिका के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर आपको यहाँ पर देना है। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, आप इन्हें बढ़ते क्रम में लिखें। तो बच्चों जो भी आपको यहाँ पर आंकड़े मिले हैं उनको आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ता क्रम, बढ़ते क्रम का मतलब क्या है, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। यानी ये कैसा क्रम हो गया, बढ़ता क्रम। अब अगर हम घटते क्रम की बात करें तो पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। ये क्या हो गया, ये जो है इस तरह से ये घटता क्रम जो है हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें बढ़ते क्रम में लिखने हैं। तो फिर यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, आप क्रम संख्या ऐसे ही लिख लीजिए। हमारी क्रम संख्या कितने तक है बच्चों, 5 तक है, ओके। 5 वस्तुएं है ना हमारे पास, और यहाँ पर आप वस्तुएं लिख लीजिए, वस्तुएं क्या है हमारे पास, और यहाँ पर हम करेंगे इनकी गिनती लेकिन बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में करनी है तो सबसे पहले जो कम संख्या है वो आनी चाहिए। अब कम संख्या किसकी है, खिलौने की। तो यहाँ पर नंबर 1 पे हम लिखेंगे खिलौना, या आंसर 1 है बच्चों, ठीक है ना। अब खिलौने की संख्या कितनी है, 2। अब नंबर 2 पे क्या है, यानी जो संख्या में 2 से ज्यादा है वो क्या है, टोपी, ठीक है ना। तो टोपी कितनी है, 3। इसी तरह फिर आप क्या लिख सकते हो, गमले, गमले कितने हैं, 4। उसके बाद देखिए बैडमिंटन रैकेट भी 4 हैं, तो कोई भी आप गमले पहले लिख सकते हो या बैडमिंटन रैकेट पहले लिख सकते हो, कुछ भी पहले लिख सकते हो। तो बैडमिंटन रैकेट कितने हैं आपके पास, 4, ठीक है। उसके बाद देखिए नंबर 5 पर, यानी सबसे ज्यादा संख्या में क्या है, सबसे ज्यादा है गेंद, तो वो संख्या में कितनी है, वो संख्या में 5 है। तो इस तरह से आप इनको बढ़ते क्रम में लिख सकते हो। अब देखिए उस वस्तु का नाम लिखिए जो सबसे अधिक बार है, तो सबसे अधिक बार कौन सी वस्तु है, गेंद जो है वो सबसे अधिक बार है, ठीक है ना। 5 गेंद है ना, तो 5 जो है वो सबसे अधिक बार क्या है, गेंद है, जो कि 5 बार है, ठीक है। उसके बाद देखिए उस वस्तु का नाम लिखिए जो सबसे कम बार है, तो सबसे कम बार कौन सी है बच्चों, खिलौना। खिलौना जो है वो सबसे कम बार है। तो काफी आसान वर्कशीट है ये आपकी, और आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है, कोई यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, कमेंट करके ये भी बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर भी कर दीजिए,
ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।